अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग के 12th क्लास की केकशा बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि एक अफसाना है, यानी कि कहानी है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत का मतलब आप लोग समझते हैं, भूले बिसरे गीत का मतलब होता है वैसा गीत, वैसा गाना जिसको लोग पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ठीक है, वैसे वैसे पुरानी फिल्मों का गाना, पुराना गाना जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, और हालांकि आज से कई साल पहले रेडियो पर प्रोग्राम भी चलता था जिसका नाम था भूले बिसरे गीत। वो प्रोग्राम में वही भूले बिसरे गीत ही सुनाया जाता था, मतलब वैसा गाना सुनाया जाता था जो लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, पुरानी फिल्मों का गाना, पुराना गाना जिसको लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, जिसको टोटली भूल चुके हैं लोग। क्योंकि उस तरह का गाना उस भूले बिसरे गीत नाम के प्रोग्राम में सुनाया जाता था। और ये जो भूले बिसरे गीत नाम का प्रोग्राम रेडियो पर 7:30 बजे तक ही चलता था, सुबह 7:30 बजे तक। ठीक है, और 7:30 बजे के बाद ये ख़त्म हो जाता था, भूले बिसरे गीत नाम का प्रोग्राम। बिल्कुल उसी तरह इस चैप्टर का नाम है भूले बिसरे गीत। और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जिस तरह लोग जो होते हैं नए नए गाने को सुनना पसंद करते हैं और पुराने गाने को भूल जाते हैं, पुरानी फिल्मों के गाने को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, पुरानी गाने को उतनी अहमियत नहीं देते, बिल्कुल उसी तरह ये इंसानी ज़िंदगी में होता है। ठीक है, अगर आप किसी काम के लायक हैं, आपसे लोगों को मतलब है, ठीक है, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे। ठीक है, और जैसे ही लोगों का आपसे काम निकल गया तो आप कहाँ और वो कहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को मुझसे काम है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, आप लोगों को मुझसे काम है, ठीक है, तो आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मुझसे बातें करेंगे। और जैसे ही आप लोगों का मुझसे काम निकल गया तो आप कहाँ और मैं कहाँ। ठीक है, मतलब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जैसे ही अपना काम निकल गया, आप कहाँ और हम कहाँ, भाड़ में जाओ। ठीक है, तो यही बात इस चैप्टर में बताई गई है कि जिस तरह जो इंसान होता है वो काम के लायक होता है, वो किसी चीज़ के लायक होता है, उससे लोगों को मतलब होता है तो उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और जैसे ही काम निकल जाता है, वो किसी चीज़ के लायक वो इंसान नहीं रहता है, तो उसे लोग छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि पहले मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में पढ़ाती हूँ, फिर चैप्टर पढ़ाती हूँ। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को पहले मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी, फिर मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ाऊँगी। ठीक है, पहले मुसन्निफ़ का नाम जान लीजिए। इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ है शफी जावेद। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझिए। तो इस चैप्टर के जो मरकजी किरदार है यानी कि मेन कैरेक्टर है, वो है सैयद अज़ीज़ अहमद। इस चैप्टर में, इस कहानी में सैयद अज़ीज़ अहमद जो है वो मेन कैरेक्टर है, जो कि मेन रोल निभा रहा है इस कहानी में। ठीक है, तो सैयद अज़ीज़ अहमद जो रहते हैं वो डायरेक्टर के पोस्ट पर रहते हैं। इनका रिटायरमेंट हो जाता है, और जैसे ही इनका रिटायरमेंट होता है इनकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब ये डायरेक्टर के पोस्ट पर रहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इनके घर पर आते हैं बहुत सारे लोग मशवरे लेने के लिए, ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका रिटायरमेंट हो जाता है इनकी थोड़ी इज्जत कम हो जाती है, और ऐसे ही देखते देखते 10 साल हो जाता है, और इन 10 सालों में लोग सैयद अज़ीज़ अहमद को भूल जाते हैं कि ये कभी डायरेक्टर थे। ठीक है, लोग मतलब इनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। ठीक है, इनको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और जब इनको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लोग इनको पूरी तरीके से भूल जाते हैं, तो सबसे मतलब करीबी, सबसे अपना होता है इनकी अपनी बीवी। इनकी अपनी बीवी भी साथ नहीं देती है, मतलब उनकी बीवी उकता कर बोलती है कि जाइए, आप कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो सैयद अज़ीज़ अहमद पता है क्या बोलते हैं कि मैं डायरेक्टर के पोस्ट पर रह चुका हूँ, और डायरेक्टर के पोस्ट पर रहने के बाद अगर मैं छोटा मोटा काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, और इसीलिए मैं छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता। तो इनकी बीवी बोलती, तो ठीक है, लेकर कब तक लेकर घूमते रहेंगे अपने डायरेक्टरी का लाश अपने कंधों पर। ठीक है, और मतलब इनके घर में भी इनको इज्जत उतना नहीं मिलती है, यहाँ तक कि इनके बेटे भी इनका इज्जत नहीं करते। इनका जो बेटा रहता है, अगर ये बोलते सैयद अज़ीज़ अहमद अपने बेटे से कि देखो रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए, तो इनके बेटे पता है क्या बोलते थे, इनका बेटा बोलता था कि देखिए इतना दिनों से तो मैं आपकी ईमानदारी और सच्चाई तो देख ही रही हूँ, आपने तो कभी रिश्वत नहीं ली, तो आप क्या कुछ कर पाए हम लोगों के लिए। ठीक है, अपने ये जो बेटा है अपने बाप को ही डांट देता था, उल्टा जवाब दे देता था। ठीक है, कहीं से भी मतलब इनको इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो एक दिन सैयद अज़ीज़ अहमद जो है वो मतलब शादी में गए अपने, और वहाँ पर जाने के बाद सैयद अज़ीज़ अहमद को ये चीज़ का एहसास हो गया कि सच में वाकई में अगर लोगों को जो है ना इंसान से काम होता है, मतलब होती है, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये ऐसा इसलिए एहसास हुआ क्योंकि सैयद अज़ीज़ अहमद जब उस शादी में गए थे तो वो लोग जो सैयद अज़ीज़ अहमद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे जब ये डायरेक्टर के पोस्ट पर थे तब,
और जब वो शादी में गए तो वो लोग जो इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और वो लोग इनसे सलाम भी नहीं किए, ठीक है। मतलब ये चीज़ देखकर सैयद अजीज़ अहमद को ये एहसास हो गया कि वाकई में अगर इंसान किसी चीज़ के लायक होता है ना तो लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उससे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें किया करते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टर के पोस्ट पर रहता तो यही लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मुझसे बात करते, लेकिन अगर मैं अभी किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ तो ये लोग मुझसे सलाम भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शादी में जाने के बाद इस चीज़ का इनको एहसास हो गया और उसी शादी में इनको सैयद अजीज़ अहमद का एक दोस्त मिला जिसका नाम है रवि रंजन। उनसे बातें हुई, अक्सर सैयद अजीज़ अहमद रवि रंजन से बातें किया करते थे, लेकिन शादी में मुलाकात हो गई और सैयद अजीज़ अहमद रवि रंजन से बहुत सारी बातें किए, ठीक है। और जब वो घर पर आए, मतलब उनको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि हम अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लायक है तो उसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो किसी चीज़ के लायक नहीं है तो उसे लोग भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। अब ये चीज़ एहसास होने के बाद वो जब अपने घर पर आए सैयद अजीज़ अहमद, तो उनको मन किया न्यूज़ देखने का, ठीक है। अब वो गए टीवी के पास कि जाकर मैं देखता हूँ, न्यूज़ थोड़ा चला कर देखूँगा, तो क्या देख रहे हैं कि सैयद अजीज़ अहमद का जो नवासा है, ठीक है, उनका जो नवासा है वो क्या देख रहा है टीवी पर, लो ऑन इंटरनेट नाम का प्रोग्राम देख रहा है, जैसे कि मोटू पतलू होता है, छोटा भीम चलता है ना, बिल्कुल उसी तरह उनका जो नवासा है वो लो ऑन इंटरनेट नाम का प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है। तो सैयद अजीज़ अहमद जाकर बोले कि दो बेटा रिमोट दो, मुझे क्या करना है, न्यूज़ देखना है, ठीक है। अब उनका जो नवासा है वो गुस्सा होकर देखा और रिमोट फेंक कर चला गया, लीजिए देखते रहिए। सैयद अजीज़ अहमद की क्या इज्जत रह गई। अब सैयद अजीज़ अहमद जो है उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनको ये बात की और भी ज़्यादा एहसास हो गई कि वाकई में अगर इंसान किसी चीज़ के लायक नहीं होता है ना तो उसको इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। और उस वक्त उनको अपना पुराना ट्रांजिस्टर याद आया, रेडियो, ठीक है, जिस पर वो अक्सर भूले बिसरे गीत नाम का प्रोग्राम सुना करते थे, ठीक है। अब उनको सैयद अजीज़ अहमद जाकर वो ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे, स्टोर रूम में गए और वहाँ पर लाइट जलाकर क्या करने लगे, अपना वो पुराना ट्रांजिस्टर ढूंढने लगे उस पर भूले बिसरे गीत नाम का प्रोग्राम सुनने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सैयद अजीज़ अहमद के बारे में एक और बात मैं बता दूँ कि सैयद अजीज़ अहमद जो है ना वो सिगरेट के शौकीन रहते हैं, ठीक है, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पिया करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर भी बोल दिया था कि इनको बीमारी हो गई, इनकी बीवी बोली कि छोड़ दीजिए सिगरेट मत पीजिए, ये सिगरेट कहाँ छोड़ने वाले थे, ठीक है। तो सैयद अजीज़ अहमद अपना पुराना ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे स्टोर रूम में, ढूंढते ढूंढते इनको अपना पुराना ट्रांजिस्टर मिल ही गया, और जब उन्होंने उसको ऑन किया, जैसे ही ट्रांजिस्टर को जैसे ही उन्होंने ऑन किया वहीं पर वो इंतकाल कर गए। किस टेंशन में, किस चीज़ की वो टेंशन लिए थे, इसी चीज़ की टेंशन लिए थे कि उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि उनकी बीवी भी उनका साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा, मतलब वो डिप्रेशन में चले गए थे और डिप्रेशन में जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया सैयद अजीज़ अहमद का, ठीक है। तो डिप्रेशन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया ना तो उसका मौत हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे कर सैयद अजीज़ अहमद डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, जिसके वजह से वो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन किए भूले बिसरे गीत नाम का प्रोग्राम सुनने के लिए, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे कि वहीं पर उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का यहीं पर चैप्टर कम्प्लीट। अब ज़रा इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में जान लीजिए। राइटर का नाम आप लोगों को मैं बताई ही, शफ़ी जावेद है, और इनकी पैदाइश हुई है 4 जनवरी 1935 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और इनका असल नाम यानी कि रियल नेम है सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन, ठीक है, और ये पटना यूनिवर्सिटी से MA किया है। शफी जावेद जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से MA किए, ठीक है। इनका पहला अफसाना यानी कि पहला कहानी कौन सा है, आर्ट और तंबाकू, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इनका अफसानवी मजमूआ यानी कि अफसाना का किताब है दायरा से बाहर, जो कि 1979 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। खुली जो आँख, ये भी इनका अफसाना का किताब है यानी कि कहानी का किताब है, 1982 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। तारीफ उस खुदा की, ये भी क्या है, अफसाना का किताब है, कहानी का किताब है, जो कि 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है ना किताबें, कहानी की किताब शफी जावेद ने लिखा है। मैं यहाँ पर कुछ ही कहानी की किताबों का नाम लिखी हूँ, लेकिन बहुत सारा इन्होंने किताब लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का भूले बिसरे गीत नाम के चैप्टर को भी मैं समझा दी, और इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ के बारे में भी देख लिया, आप लोग समझ गए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर जो भी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है, वीडियोज़ को लाइक
लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझ लेते हैं। पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है आप बताएं से, यानी कि आप लोगों को बताना है। सबसे पहला सवाल है, सैयद अजीज़ अहमद किस अहदे से सबकदोश हुए? सैयद अजीज़ अहमद जो है वो किस पोस्ट से रिटायर हो गए? ठीक है, तो वो था डायरेक्टर का पोस्ट, तो इसका जवाब हो गया सैयद अजीज़ अहमद जो है वो डायरेक्टर के अहदे से सबकदोश हुए। ठीक है, दूसरा सवाल है, उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? तो उनका जो नवासा है वो टेलीविज़न पर लू ऑन इंटरनेट देख रहा था। ठीक है, तो तीसरा सवाल है, रवि रंजन कौन थे? तो रवि रंजन जो थे वो सैयद अजीज़ अहमद के दोस्त थे। ठीक है, चार नंबर सवाल है, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए? यहाँ पर सैयद अजीज़ अहमद की बात की गई है, सैयद अजीज़ अहमद को ना डॉक्टर के पास लेकर गए थे लोग, तो वहाँ पर डॉक्टर की बात सुनकर जो है ना सैयद अजीज़ अहमद सच में सन्नाटे में आ गए थे। तो इसका हो जाएगा जी बिल्कुल, डॉक्टर की बात सुनकर सैयद अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए थे। ठीक है, पाँच नंबर सवाल है, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? तो वो था सिगरेट, सैयद अजीज़ अहमद का पुराना साथी सिगरेट था, जो कि सिगरेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, छः नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फाताहाना चमक थी? तो जी बिल्कुल, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद सैयद अजीज़ अहमद बहुत ज़्यादा खुश हुए, उनके चेहरे पर चमक आ गई। सात नंबर सवाल है, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया? तो भूले बिसरे गीतों का जो प्रोग्राम है वो 7:30 बजे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बात आती है मुख्तसर गुफ्तगू की, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न की। सबसे पहला सवाल है, डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से कैसे फरामोश हो गए? ठीक है, जो सैयद अजीज़ अहमद थे जो कि डायरेक्टर थे, ठीक है, तो वो लोगों के जहनों से क्यों, कैसे फरामोश हो गए, कैसे निकल गए? ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि सैयद अजीज़ अहमद जब डायरेक्टर पर थे, डायरेक्टर के पोस्ट पर थे, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, और जैसे ही उनका डायरेक्टर के पोस्ट पर से रिटायरमेंट हो गया, रिटायर होने के बाद लोग इनको इज्जत देना कम कर दिए, इनको रिस्पेक्ट करना कम कर दिए। इसको लंबा चौड़ा आप लोग कर लिख लीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ तो मैं आप लोगों को चैप्टर में पढ़ा ही दी। ठीक है, दूसरा सवाल है, आप डायरेक्टर की लाश कब तक कंधों पर लेकर लेते फिरेंगे? बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताई ही कि इनकी बीवी जो है वो उकता गई रहती है इनसे, ये मतलब ये इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, और यही बोलती है उकता कर कि आप मतलब जो है ना क्यों नहीं छोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो सैयद अजीज़ अहमद बोलते हैं कि मैं डायरेक्टर के पोस्ट पर रह चुका हूँ, और जाकर छोटा मोटा काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे कि एक डायरेक्टर होकर छोटा मोटा काम कर रहा है। ठीक है, तो सैयद अजीज़ अहमद ये बात बोले, जिसकी वजह से उनकी बीवी बोली कि कब तक आप इस डायरेक्टर की लाश को अपने कंधे पर लेकर घूमते रहेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है, आप बहुत काबिल बड़े दानशूर हुआ कीजिए, असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ? बेटे ने यह बात क्यों कही? जो उनका बेटा रहता है वो सैयद अजीज़ अहमद से बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा दानशूर हुए, दान किया करते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल, ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहते हैं, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, ये इनका बेटा बोला, तो ये क्यों बोला आप लोगों को बताना है, और वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अपने हिसाब से जवाब लफ्ज़ों को सजा कर लिखिएगा। ठीक है, चार नंबर सवाल है, वो ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? सैयद अजीज़ अहमद जो है वो ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे, ये भी आप लोगों को बताना है, हर एक चीज़ बता दी हूँ। अब बात आती है तफसीली गुफ्तगू की, यानी कि लंबा चौड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात। सबसे पहला सवाल है, अफसाना भूले बिसरे गीत की तलखीस पेश कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को अफसाना जो भूले बिसरे गीत नाम का ये कहानी है, इसका सारांश बताना है, शॉर्टकट कहानी बता देना है। ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा नहीं बताना है, शॉर्टकट बताना है। दूसरा सवाल है, सैयद अजीज़ अहमद के किरदार पर अपने ख्यालात कलमबद्ध कीजिए। सैयद अजीज़ अहमद जो है ये किस तरह आप लोगों का ये किरदार कैसा लगा, इस पर आप लोगों को बताना है। इन सैयद अजीज़ अहमद के किरदार में गारी इनके कैरेक्टर पर आप लोगों को कलमबद्ध करना है, लिख देना है इनके बारे में। ठीक है, तीसरा और लास्ट सवाल है, इस अफसाने की रोशनी में सफ़ी जावेद की अफसाना निगारी पर इजहार ख्याल कीजिए। ये जो अफसाना है भूले बिसरे गीत, इस अफसाने की रोशनी में, इस अफसाने के ज़रिए से आप लोगों को बताना है कि सफ़ी जावेद जो है वो किस तरह के अफसाने लिखा करते हैं, उनका कहानी किस तरह का होता है, उनकी अफसाना निगारी पर आप लोगों को रोशनी डालना है। 4-5 सेंटेंस में आप लोगों को सफ़ी जावेद के अफसाने निगारी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर 9 क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।